कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कस्टर्ड दलिया बनाएंगे। दलिया बनाने के लिए मैं एक पैन गर्म किए हैं, इसमें घी डालकर पहले हम काजू और किशमिश को फ्राई कर लेंगे। काजू डालकर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम किशमिश डालकर किशमिश को भी भून लेंगे। हम भून लिए हैं, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसी घी में दलिया डालेंगे, दलिया को हम भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। 5 से 7 मिनट लगेगा गोल्डन ब्राउन होने में। इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इसका कलर चेंज हो गया है। हम चलाते हुए भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे 1 मिनट और भून लेंगे। दलिया हमारा भून गया है, अब इसमें हम दूध डालेंगे। 1 कप दलिया लिए थे, इसमें 4 कप दूध डालेंगे। दूध डाल दिए इसमें, इसे हम चलाते हुए इसे 1 उबाल आने तक इसे चलाएंगे। दूध को गर्म कर लिए थे, गर्म दूध डालेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे। इसमें उबाल आने लगा है, इसे हम पकने के लिए रखेंगे। दलिया पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। दलिया में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ढककर पकाएंगे। इसे हम पकने के लिए रखेंगे। दूसरे साइड हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप दूध, उनका गुनगुना दूध है। इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब दलिया को चेक कर लेंगे। दलिया पक गया है, इसे हम चेक कर लिए हैं, पक गया है। अब इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे दलिया में। इसे हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे और इसे चलाते जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। इसमें हम शक्कर डालेंगे, 1 कप दलिया में हम 1 कप से थोड़ा सा कम शक्कर डालेंगे। अब इसे हम शक्कर को पिघलने तक पका लेंगे। शक्कर पिघल गया है, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं, इसे चला लेते हैं। अभी इसमें हम
काजू और किशमिश डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड दलिया तैयार हो गया। ये ठंडा होने पे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें हम कटे हुए फल डालेंगे, आपके पास जो भी फल हो वो डाल लें। मेरे पास आम है, वो आम बारीक बारीक काट लिए हैं, इसमें डालेंगे। दलिया अभी थोड़ा गाढ़ा है, फल डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा। कस्टर्ड दलिया तैयार हो गया। थैंक यू, बाय।